रोड को बहाल करो, रोड को बहाल करो, बिजली को बहाल करो, बिजली को बहाल करो, रोड को बहाल करो, बिजली को बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कि हमने कोई चारों नहीं, कोई अनाज नहीं, कोई घर नहीं, कोई दलील नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई साहब नहीं, कोई किताब नहीं, हम तो मारे गया। अच्छा अच्छा दे के करेंगा ना, कर बिजली कदे दो महीना हो गया, त्रै सुना विवाह भी नहीं कदे, हूँ के करना चारों भाई, हमने गवर्नमेंट कदे है ही नहीं, हूँ क्या करेंगे। अच्छा तो बीमार करे कोई हो जाए तो उसको क्या इलाज करेंगे, वो इसे रहा हमने, वो इसे मर जाए फिर कोई उसको इलाज ही नहीं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई चीज, ना कुछ, और से वो समय जीतो ही दबनो। अच्छा तो रोड ना हो गया, चार महीना हो गया रोड ना बंद है, सिर में क्या करेंगा। अच्छा राशन कितना महीना हो गया, राशन ना 5 महीना हो गया, थैती नहीं करे। अगर कोई बीमार हो जाता है, अच्छा तो उसको क्या इलाज है, मारो क्या इलाज हो गया, गवर्नमेंट कित है जो कोई ML बने वो ही होगा, बैस जाए अपने कुर्सी पर सो जाए, हमने के चारो है मारो, वोटों की टाइम और हमें फिर वापस आता ही नहीं। इसके बारे में तुम क्या सोचेंगे, आवाम इस बारे में क्या एहतजाज करेगा, हड़ताल लगातार रहेगा के रोड पर निकलेगा, एहतजाज नहीं नहीं, हड़ताल हड़ताल लगातार रहेगी, हमारी कोई गल नहीं, इसी हम इसे मर जाएगा, के मारो के चारो है, इसे थोड़ी रोड नहीं आती, इसे थोड़ी हम इसे मरेंगे, बिजली नहीं आती, बिजली तो है ही नहीं, हम ना न्यू तो बनाए तो गवर्नमेंट ने बस ही नहीं। अच्छा ये नुमाइंदा आवे जे वोट, ये हमें छड़ा वोट लेने वास्ते बस वोट लिया चल गया, गनी मालिक मुमताज खान है, ये फलाना खान, ये इसरा उसरा, ये इसरा हमें फिर मारे चले गए, फिर के है उन वैसे करू ना के है वोट लिया तो अटका हमारो चाहिए तो 5 साल मतलब है कि इंतजामिया तो 5 साल तो बाद आ गया, हमने कहेगा पहन दो वोट, इसलिए हमारा कोई वोट लेने बस हमारो चाहिए तो बिजली से गुजरा पावर हमारा वास्ते आई इतने तो आई 2-1 महीने रही, उस तो बाद बंद हो गई, तो हमारा कोई किराया ले जाया करें लगा हुई, तो बिजली हमने किधर आई सही बात है, महीना हो गया इसलिए हमारा गरीबा लोगों को इतनी घाटो कब छोड़े ML आगे मुमताज खान और वोट लिया उसने चुप करके बहस कर, कोई पार्टी को है कैसा है फिर, कोई ये परंगो देवड़ को है, कोई मालिक क्या फिर चुप करके बैठा हुई वोटों वास्ते उन आज अच्छा कोई भी मतलब ये इंतजाम में थारे वास्ते कोई हम इन थारे वास्ते कोई सहूलियत नहीं, कोई का कर नहीं जाता वोट ली तो बस अपने अपने बहस है, तब के करे मरे अगर तब के करे मरा मार गया तो फिर जड़ा ग्राई है जड़ा गरीब लोग भी हमने दबे और कोई मारे दर आते नहीं ना मारे कोई देखे गवर्नमेंट बैठी जो अच्छा इसके बारे में तुम के हूं सोचेगा के कदम चकेगा क्या कदम चकेगा हूं आवेगा आगे कहेगा दे वोट दे वोट लेगा मारो चाहे तो भी सिर जाए आज हम देते हैं हम काक नहीं देता शुक्रिया शुक्रिया पहले कोई करो फिर दे दो राशन की है आई नहीं हम 6 महीना हो गया राशन नहीं हमने रोड की है ही नहीं शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ आपने मांग क्या है हमारी मांग ये है कि हमने यहाँ पर हड़ताल इसलिए की है कि यहाँ पर हमें बहुत प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम यहाँ पर हेल्थ की है, यहाँ के लोग मर रहे हैं, यहाँ ना दवाई है ना डॉक्टर, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मेन प्रॉब्लम यह है कि रोड बंद है, रोड 4 महीने से बंद है, तो हम रेडियो में शाम को ये सुनते हैं कि मोदी बोलता है कि हर जगह मैंने ये किया, लेकिन मोदी भी सोया हुआ है, लिहाजा हम इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि हमारा रोड पहले खोल दे ताकि जब रोड टॉक्सन से गुलाबगढ़ आ जाए तो हमारी मुश्किलात हल हो जाएगी, दूसरी बात यह है कि इंतज़ामिया कहीं सोई हुई है, ना कोई तहसीलदार यहाँ मौके पर है, ना कोई जंगलाती यहाँ पर मौके पर है, ना बिजली वाला कोई मौके पर है, पोल साहब गिर गए हैं, टूट गए हैं, तारे फंसे हैं, हमारा माल चल रहा है इधर गुलाबगढ़ में, वो तारों में फंस रहा है, तो वह तारे बेकार पड़ी है, ये हमें समझ नहीं आती है कि जो ये मुलाजम है ये कहाँ है। दूसरी बात तीसरी बात ये है कि हम इस मुश्किलात में फंसे हैं, अगर गवर्नमेंट इंतज़ामिया इस हमारी मांग पर तवज्जो करेगा तो हम उसके साथ हैं,
वरना हम उतर जाएंगे। तो जिस तरह हमने इधर पिछले साल यह हड़ताल 4 महीने की थी, इसी तरह आवाम के साथ हम यहाँ पर हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो जब MLA साहब कोई यहाँ आता है तो वो बोलता है वोट के लिए, इस वक्त वो MLA भी सोए हुए हैं। तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमारी फोर्स यहाँ पर 400 बैठी हुई है, उनके पोर्टर इस वक्त किसी को पैर को लगता है, किसी को किसी जगह लगता है, तो दर बदर उनके पोर्टर हो रहे हैं। हमारी चौकी यहाँ पर है, इन ये जवान बिल्कुल फाका 7 दिन से है, इन जवानों को कोई प्रॉब्लम होती है ना, आग है ना, पानी है ना, रोटी है ना, कुछ है, क्या कर रही है ये इंतजामिया बैठकर? क्या हम एक कारगिल में जब हवाई जहाज जाता है तो गुलाबगढ़ में क्या मशीन टॉक्सिन से यहाँ पर नहीं लगी जाएगी? हमारी अपील यही है इंतजामिया से कि हमारी मांग जो है, यो आवाम जो है, इसको इस मांग को पूरी करे। लद्दाख में अगर अगर ये पूरी न हो तो हम लोग उतर जाएंगे और हिंदुस्तान से कट जाएंगे, हिंदुस्तान से कट जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर दुनिया में रोड गया है, 4 महीने हमारे गरीब लोग यहाँ पर मर रहे हैं, हमारा माल जो माल मवेशी था, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वो सब माल हमें मर गया है। लिहाजा हमारी अपील इंतजामिया से है, 2 दिन तक क्या करे, वरना हम सड़कों पर आकर बगा मोहर में हम हड़ताल करेंगे। शुक्रिया।